सामने में है बाबा चटपटनाथ मंदिर, शिव मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और हम लोग बहुत दूर से आ रखे इधर। सामने में आप लोग गेट देख सकते हैं, यह है इंटी गेट, और मेन रोड से कम 5 किलोमीटर दूर है। और अगर आप अमृतसर साइड से आ रहे हैं तो वहाँ से मेन रोड से 5 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए सामने में है मंदिर का एंट्री गेट, मंदिर का मेन द्वार, और इसके अंदर है बहुत प्राचीन शिव मंदिर। वहाँ जाके पता करेंगे क्या है मंदिर की हिस्ट्री, वहाँ के जो पंडित हैं उनसे पूछेंगे। देखिए सामने में आया गेट, अब यहाँ से अंदर जाते हैं। यहाँ पूरा जंगल जंगल है, पूरा जंगल है, जंगल के बीच में घिरा हुआ ये मंदिर है। देखिए सामने में हम लोग गए हैं स्कूटी से, आप चाहो तो बाइक से भी आ सकते हो, स्कूटी से भी या फोर व्हीलर से भी आ सकते हो। अभी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, अब बाद में बनाऊंगी, पहले मैं पूरा देख लेती हूँ अच्छे से मंदिर। यह है चटपटनाथ जी का मंदिर सामने में, यह है चटपटनाथ का मंदिर। ये पड़ता है पठानकोट से 20-25 किलोमीटर की दूरी में। और ये सामने में है बाबा की, जहाँ पर बाबा की कुटिया है वो है, और इधर स्नान है, यहाँ पर स्नान किया जाता है। यहाँ पर जो पुरुष लोग होते हैं वो लोग स्नान करते हैं। और इधर भी एक मंदिर बना हुआ है, चलो आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर, दिखाते हैं कैसा है। ये है बाबा जी का गद्दी स्थल, जहाँ पर बाबा जी, सामने में बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है। अंदर है काफ़ी सुंदर सा शिव जी का मंदिर, देख सकते हैं आप। यहाँ पे है राधा रानी, यहाँ का मंदिर। और ये पूरा जंगल में बसा हुआ है, और इधर को कुछ ऐसा है, यहाँ पर कुछ बाबा, यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर, और पतिदेव की फ़ोटो खींच रही हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर। और काफ़ी जाना माना मंदिर है, अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आ सकते हो यहाँ पर आके। जिनको कुछ भी परेशानी है तो आज हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत देर तक यहाँ रुक गए हैं। और ये एकदम जंगल के बीच में बसा हुआ है, और यहाँ आप लोग आ सकते हैं। बस गए, ज़्यादा तो मुझे मंदिर के बारे में कुछ पता नहीं है, जितना भी था मैंने बता दिया है।